आज पर्व का चौथा दिन है, उत्तम शौच। आज तन की निर्मलता का त्योहार नहीं, आज मन की निर्मलता का त्योहार है। नदी के, तालाब के, झरनों के जल से तन की शुद्धता हो जाती है, लेकिन मन की शुद्धता नहीं होती। नित गंग जमुन समुद्र नावे, कौन विधि घट सुचि कहे। ऊपर अमल मल भरो, भीतर सोच गुण साधु लहे। अभी पूजा में पढ़ा, ध्यान रखना, तन की शुद्धि तो नदी झरने तालाब के जल से हो सकती है, लेकिन मन की शुद्धि इन जल से नहीं होती है। मन की शुद्धि के लिए जिस जल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, वह होता है संतोष का जल, जिससे मन को शुद्ध किया जाता है। आज संतोष धर हृदय संतोष, करम तपस्या देह सो। ध्यान रखिए, संतोष का जल लेकर मन को शुद्ध कर लीजिए। इतने पर्यूषण आए, हमने कितना संतोष रखा। सब कुछ है आदमी के पास, धन है, दौलत है, सब कुछ है, क्या नहीं है? धैर्य नहीं, संतोष नहीं। और मेरा तो मेरा, पड़ोसी का भी मेरा। ध्यान, ये हमारी जिंदगी है। एक बात याद रखना, जितने जितना लाभ होता है उतना उतना लोभ बढ़ता है। तृष्णा की खाई कभी भरती नहीं है, खाली की खाली रहती है। लोभ आश्वासन देता है, लोभ इच्छाएं देता है, लोभ आशाएं देता है, लोभ कभी भी तृप्ति देता नहीं है। एक व्यक्ति को वरदान मिला, बहुत दुखी था कि मुझे धन मिले, दौलत मिले, संपदा मिले। राजा ने वरदान दिया कि जा सुबह से शाम सूर्य अस्त तक तू इतना दौड़, इतना दौड़, इतना दौड़ कि लौट करके जब तू वापिस आएगा तो एक लकीर खींच दी, इस लकीर पर यदि तूने छू लिया उतनी जमीन तेरी हो जाएगी। उसने कहा, यार एक दिन की मेहनत है, चलो दौड़ जाते। दौड़ा दौड़ा, दौड़ते गया, दौड़ते गया, दौड़ते गया, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, ना खाया ना पिया। बोले भागते चलो, शाम तक का वक्त है, सूर्यास्त के पहले मुझे वहां से जाके वापस भी लौटना है। दौड़ते गया, दौड़ते गया, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दिन भर दौड़ा, शाम को लौट करके आया। लेकिन लौटने का मन नहीं कर रहा था, मरते मरते भी कह रहा था 1 किलोमीटर और दौड़ जाऊं तो उतनी जमीन और मेरी। दौड़ रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, लौट करके शाम को आया, सूरज अस्ताचल की हो रहा है। उसे ध्यान है कि लकीर पर मुझे पैर रखना है, लकीर को मुझे छूना है। दौड़ते दौड़ते आया, कहते हैं न भूखा प्यासा, न खाया न पिया, इतना दौड़ा मृग तृष्णा के पीछे। लौट करके जब आता है ना, 2 इंच हाथ पीछे रह जाता है और वह निढाल होकर के वहीं गिर जाता है। नहीं छू पाया लकीर को, दौड़ते गया, दौड़ते गया, छू नहीं सका। कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई और उसकी कब्र पे लिखा है दुनिया वालों के लिए कि ये दुनिया वालों, मैंने इस जमीन के लिए, जायदाद के लिए कितना दौड़ा, लेकिन दौड़ने के बाद पता चला कि कितनी भी दौलत, कितनी भी जायदाद, कितनी भी जमीन इकट्ठी कर लो, अंत समय आदमी को
दो गज जमीन से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा और किसी की आवश्यकता नहीं होती है। दो गज जमीन, इससे ज्यादा आदमी को चाहिए क्या? किसके पीछे आदमी भागता है? जोड़ कर रख लो चाहे कितने भी हीरे मोती, मगर ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब जाओगे एक चुटकी आटा भी साथ जाने वाला नहीं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज बड़े निष्प्रह संत थे, भोले वाले थे। सीकर में शायद उनकी समाधि हुई है। बड़े भोले संत थे, भोले बाबा कहकर दुनिया उन्हें याद करती थी। पट्ट परंपरा के आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा में दीक्षित आचार्य धर्म सागर जी महाराज जब राजस्थान गए तो राजस्थान के एक सावला नगर है एक छोटा सा, वहां महाराज विराजमान थे। वहां से उन्हें लुहारिया जाना था, पास में ही है। लुहारिया की समाज वहां पर पहुंची, महाराज पूरा संघ है, चातुर्मास तो हम करा नहीं सकते, समाज बहुत छोटी है, संघ बहुत बड़ा है। आचार्य धर्म सागर महाराज ने कहा कि क्यों नहीं करा सकते? आचार्य धर्म सागर जी महाराज ने कहा कि मेरा चातुर्मास क्यों नहीं करा सकते? महाराज हमारे यहां धर्मशाला नहीं है, इतना बड़ा स्थान नहीं है, इतना बड़ा संघ कहां रोकेंगे? उस समय वहां धर्मशाला बड़ी नहीं थी। मालूम है एक निष्प्रह संत आचार्य धर्म सागर ने कहा तब तो हमारा चातुर्मास लुहारिया में ही होगा। बोले महाराज कैसे होगा? बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां बड़े बड़े रूम नहीं, हाल नहीं, कमरे नहीं, दो गज जमीन है जहां मैं रात को सो सकूं और सुबह उठकर बैठ सकूं। समाज की आंखों में आंसू आ गए। बोले एक दिगंबर संत को दो गज जमीन से ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। दो गज जमीन होगी तो भी मैं अपना चातुर्मास वहां पर कहीं कितना लगना, कितने में सोते हैं साधु? ध्यान रखिए, दो गज जमीन से ज्यादा में साधु का विश्राम नहीं होता, और इससे ज्यादा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। धन्य है आचार्य धर्म सागर महाराज। मैं कहता हूं सोच गुण ऐसा होता है, उत्तम सोच धर्म ऐसा हुआ करता है। उन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सारे निष्प्रह रहे। ध्यान रखना कोई परिग्रह नहीं था उनके पास, एक भक्ति की किताब थी, माला भी माला से नहीं फेरा करते थे, जहां बैठ जाए कंकर उठाए 108 और एक एक मंत्र पढ़ा, कंकर रखा, माला पूरी हुई, कंकर फेंके, महाराज आगे बढ़ गए। कोई परिग्रह उनके पास नहीं था। धन्य वह संत। मैं मान सकता हूं कि वो लौकिक शिक्षा में ज्यादा पढ़े लिखे हों या ना हो, वो बहुत अच्छे प्रवचन करते हों या ना करते हों, लेकिन उन जैसा भोलापन, उन जैसी सरलता जिसके जीवन में होती है, ऐसे लोगों को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे लोगों पर किताबें लिखने की जरूरत हुआ करती है, ऐसे लोगों पर ग्रंथ लिखा जा सकता है।